बढ़ियागढ़ में अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलने वाले लोग पुलिस प्रशासन के ढीले रवैये के चलते बाज नहीं आ रहे हैं। जी हां, राज्य शासन और दमोह कलेक्टर के निर्देश हैं कि कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन बढ़ियागढ़ में सोमवार को सुबह से ही अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकले लोग और तो वहीं बस स्टैंड बढ़ियागढ़ में अधिक संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई, जो न ही मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बढ़ियागढ़ थाना प्रभारी के द्वारा लोगों से अपील तो की जा रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन को सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है कि घरों के बाहर लोग अनावश्यक रूप से न निकलें, मास्क लगाएं एवं सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का पालन करें। जिले सहित बढ़ियागढ़ में हर दिन लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, उसके बाद भी लोगों द्वारा बढ़ियागढ़ बस स्टैंड पर भीड़ लगाई जा रही है। साथ ही सब्जी और फल के ठेले स्थायी रूप से खड़े रहते हैं, दुकानदार शटर बंद करके अपनी दुकानें चला रहे हैं और ग्राहकों को अंदर से सामान दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे दुकानदारों को कोई भय नहीं रहा है, न वो अपनी चिंता कर रहे हैं और न ही दूसरे की जिंदगी की चिंता है। जबकि जिले में हर रोज सैकड़ों की संख्या में कोरोना मरीज निकल रहे हैं, उसके बावजूद भी बढ़ियागढ़ में जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।